हे गाइस कैसे हो मेरे प्यारे बैंगनों वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू चलो आ जाओ जल्दी 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 आ जाओ हेलो 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 गुड इवनिंग वेरी गुड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलो आ जाओ जल्दी 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 जो है वो आ जाओ हेलो 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 ठीक है तो सुबह हमने बायोटेक्नोलॉजी जो है वो फिनिश किया प्रिंसिपल सारे फिनिश किए होप तुमने लेक्चर देखा होगा अटेंड किया होगा नाउ वी विल फिनिश द बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन और आज रात को दस बजे जो है वो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो है हम खत्म करेंगे ठीक है तो मतलब आज जो है हमारा जो है वो बहुत सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी एंड देन फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट द इकोलॉजी ठीक है हम जो है वो इकोलॉजी जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द टुमारो एंड आई थिंक परसों तक जो है वो खत्म हो जाएगी मतलब दो तारीख तक दो तारीख को लगातार दो लेक्चर रखे हैं मैंने ठीक है अपने मतलब कल और परसों दो दिन में भी खत्म कर सकते हैं अगर हमने डबल डबल सेशन रखे तो ठीक है आ, तो लेट्स सी अगर पॉसिबल है तो कर लेंगे क्या कहते हो रात को दस बजे भी सेशन रख लेंगे दोपहर दोपहर को बारह बजे भी रख लेंगे तो दो दिन में अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा एंड देन पूरा एम सी क्यू मोर देन थाउजेंड एम सी क्यू जो है हम प्रैक्टिस करेंगे ठीक है तो वो शेड्यूल मैं आपको जल्दी दूंगा सो आई थिंक दो दिन में फिर फिनिश कर फि लेते हैं बारह बजे एंड रात को दस बजे ठीक है चलिए तो इसमें थोड़ा सा बदलाव कर लेता हूं मैं ठीक है तो ये इकतीस तारीख को जो है वो अपन क्या कर लेंगे सिंपल सी बात है ऑर्गेनिज्म एंड इकोसिस्टम कर लेंगे मतलब कल हम ऑर्गेनिज्म एंड इकोसिस्टम कर लेंगे एंड परसों अपन बायोडावर्सिटी एंड एनवायरमेंटल इशू जो है वो कर लेंगे ठीक है चलो एंड प्लीज uh, जो है आप मुझे टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिएगा शुभमू एट एट जो है ये मेरे इंस्टा पे भी मुझे जो है फॉलो कर लीजिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए, लिंक मिल जाएगी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू मेरा दूसरा एक चैनल है ई e कट्टा तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपको बहुत फनी uh, कंटेंट जो है यहाँ पे मिलेगा आपको ठीक है चलिए शुरू करें हार्ट 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 दिल 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 भेज दो भेज दो भेज दो लाइक 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 शेयर 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 सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दो कर दो चलो चलिए चलिए YouTube से नोटिफिकेशन नहीं आया क्या अब तक चलिए दिल 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 काला दिल पीला दिल नीला दिल हिला दिल चलिए सो so, दोपहर को बारह दोपहर को बारह बजे हमने क्या देखा मतलब इसके प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या देखा कि बायोटेक्नोलॉजी मतलब है क्या चीज क्या है ठीक है कि कैसे होता है कौन कौन सी प्रोसेस जो है बायोटेक्नोलॉजी में देखी जाती है अब इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले इस चैप्टर में हम देखने वाले कि ये इसके एप्लीकेशन कहां कहां पे होते मतलब किस तौर पे जो है कहाँ कहाँ पे किस तरह के जो किस तरह के जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का जो है ये इस्तेमाल किया जाता है तो वही यहाँ पे जो है वो बताया गया है सो इट इज एसेंशियल इसेंशियली विद द इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायो फार्मास्यूटिकल्स ठीक है जो है वो बायो फार्मास्यूटिकल जो है यूज़ किया जाता है ठीक है बायोलॉजिकल जो है वो चीज़ों के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स फंगाई प्लांट जो है इस्तेमाल किए जाते हैं एंड द एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स थेराप्यूटिक्स डायग्नोस्टिक्स ठीक है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है देन प्रोसेस फूड मेडिटेशन वेस्ट ट्रीटमेंट एनर्जी प्रोडक्शन तो ये सारे जो है वो uh, जो है वो एरियाज है जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का जो है वो इस्तेमाल होता है एंड मेन क्रिटिकल रिसर्च एरियाज कौन से होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटेस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव ऑर्गेनिज्म ठीक है uh, जो है माइक्रो एक तो फॉर्म करना नहीं तो उसमें क्या पार्ट होता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग ठीक है जो भी हमने फॉर्म किया है उसको हमको क्या करना है उसको जो है वो मॉडिफाई करना है ठीक है उसको जो है वो मॉडिफाई करना है सो ये चार चीजें जो है वो, है. So, जो है, वो uh, हम जो है वो uh, देखते मिलेंगे अपने बायोटेक्नोलॉजी में ठीक है सो लेटेस्ट लर्न हाउ ह्यूमन बिइंग्स आर यूज बायो टेक्नोलोजी टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ ठीक है तो सबसे पहले जो है एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में जो है कौन कौन से जो है एप्लीकेशन होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के उसमें सबसे पहले आ जाएगा एग्रोकेमिकल बेड एग्रीकल्चर देन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर देन जीनेटिकल इंजीनियरिंग क्रॉप बेड एग्रीकल्चर ठीक है यहां यहां पर जो है वो बायोटेनॉजी का जो है इस्तेमाल किया जाता है तो वी नो दैट ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था ठीक है ग्रीन रिवॉल्यूशन नॉर्मली बॉलॉक से आया था नाइनटीन में देन डॉक्टर स्वामीनाथन में इंडिया में लाया देन वहाँ पर राइस और व्हीट की वरायटीज आई ठीक है और फिर जो एल्ड और डिस रेजिस्टेंट वरायटीज जो थी आई थी ठीक है वो जो है उन्होंने जो है वो ग्रीन रिवोल्यूशन कराया तो ये जो डिसीज रेजिस्टेंट एंड हाई एल्डिंग वरायटीज आई थी ये कौन से प्रोसेस से आई थी ये जो आई थी वो थोड़ी ये यही जेनेटिकली इंजीनियर जो है वो प्रोसेस से आई थी ये बायोटेक्नोलॉजी से आई थी ठीक है और इसी के कारण जो है पॉसिबल हुआ कि हम जो है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन कर पाए हम जो है वो व्हीट एंड राइस का जो है प्रोडक्शन में हमने जो है इंक्रीज किया इलेवन टन आप देखते हो ठीक है तो इतना जो प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ हुआ वो किसके कारण जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के कारण हुआ तो यही यहां पे बताया गया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के कारण जो है यहाँ पे आ, हुआ था जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग से पॉसिबल नहीं था वो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है वो क्रॉप के कारण यहां पे पॉसिबल हुआ सो प्लांट्स बैक्टीरिया फंगा एनिमल्स ठीक है ये सारे जो है वो अल्टर किए जाते हैं और इसको इसको अपन क्या बोलते हैं जेनेटिकली मोडिफाइड ऑर्गेनिज्म ठीक है तो इसमें सब कुछ आता है प्लांट्स फंगाई आ जाते हैं बैक्टीरिया आ जाते हैं एनिमल्स भी आ जाते हैं सारी चीजें जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है आ जाती है ठीक है तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो होते हैं वो काफी अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं सबसे पहले जो है आ, क्या क्या किया जाता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या क्या किया जाता है प्लांट्स में तो इसको जो है वो मोर टॉलरेंट बना जाता है अबायोटिक स्ट्रेसेस के लिए मतलब यू नो दैट अभी क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे चेंज हो रही है ठीक है तो कभी भी बारिश आ जाती है कभी भी जो है वो धुआं धुआं आ जाता है कभी कभी भी जो है वो धूप आ जाती है मतलब धूप से निकल के चाव से पिघल के हम मिले वहाँ पर लम्हाथ हम गया ऐसा कंडीशन जो है होती है गाने क्यों लगाव में ठीक है सो कभी भी कभी कोल्ड होता है कभी ड्रॉट होता है कभी साल्ट होता है कभी हीट होता है तो ये अलग अलग अबायोटिक जो स्टेसेस है उसको जो है वो आ, आ, टॉलरेंट बनाने के लिए जो है वहां पे देखने को मिलता है सो रिड्यूस रिलायंस ठीक है ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड्स यू नो दैट केमिकल पेस्टिसाइड्स के कारण जो है हमारे बॉडी के ऊपर भी अफेक्ट होता है ठीक है अलग अलग डिसीजेज जो है होते हैं एंड वो इतना जो है वो हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के लिए तो टॉलरेंट जो है वो कम किया जाए ऐसी वैरायटी बढ़ाई जाए कि जो अपने आप बायोलॉजिकली जो है वो जो है वो इंसेक्ट्स होते हैं उसको क्या करें टॉलरेट करें तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट जो है बनाएंगे देन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसिस्ट ठीक है जल्दी जो है वो uh, मतलब हम जब फूड या फिर काटते ठीक है क्रॉप जब काटते हैं फाइनल उसका जो है कटिंग करते हैं तो उसके बाद कभी कभी क्या हो जाता है कि वो जल्दी खराब हो जाते हैं या जल्दी जो है वो राइप हो जाते हैं तो जल्दी जो है खराब हो जाते हैं तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो है रिड्यूस किया जाता है देन मिनरल यूजेज जो है प्लांट इंक्रीज किया जाता है इंक्रीज इफिशंसी ऑफ मिनरल यूजेस कि ज्यादा से ज्यादा प्लांट क्या करे इसके ऊपर एमसीक्यू आता है इस ठीक है बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद तो वहां पे इंक्रीज ऑफ मिनरल यूजेस बाय द प्लांट्स और एक में एक में एक ऑप्शन था डिक्रीज इफिशियं ऑफ मिनरल यूजेस बाय द प्लांट्स ठीक है तो वहां पे ये एमसीक्यू जो है काफी मैटर करता है तो इसको ध्यान रखो दिस प्रिवेंट्स द अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ठीक है फर्टिलिटी जो है ये एग्जॉशन नहीं होने देता है सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करता है क्या करना इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ द मिनरल यूजेस बाय द प्लांट्स देन प्लांट की जो है वो न्यूट्रिशनल वैल्यू बनाना ठीक है न्यूट्रिशनल वैल्यू बनाना दैट इज यू नो दैट विटामिन ए एंड राइस बनाया था गोल्डन राइस जिसको बोलते हो विटामिन ए इंड्रीज राइस ठीक है तो न्यूट्रिशनल जो है वो यहाँ पे हमने उसकी जो है वैल्यू बढ़ाई थी सो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स या आप ऑर्गेनिज्म कह सकते हो इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेलर मेड प्लांट्स टू सप्लाई अल्टरनेट रिसोर्स टू द इंडस्ट्रीज ठीक है एंड यहां पे जो है मतलब इंडस्ट्रीज को सप्लाई करने के लिए भी यहाँ पे जो है काफी इस्तेमाल होता है स्टार्स से लेकर फ्यूल्स और फार्मास्यूटिकल्स के लेकर बहुत सारी चीजों में यहां पे देखने को हमको मिलता है ठीक है सो सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट यू विल स्टडी इन डिटेल दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रजिस्टेंट प्लांट्स ठीक है ऐसे प्लांट प्रोड्यूस करना का जिसमें नेचुरली पेस्ट रजिस्ट करता हो ठीक है और उसमें सबसे पहला नाम जो आता है फेमस नाम जो आता है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा एमसीक्यू आते हैं दैट इज बैक्टेरियम बैसिलस थिरनेसिस बीटी फॉर शॉर्ट ठीक है बैसरसनेसिस बीटी फॉर शॉर्ट ठीक है यहां पे हमको ठीक है और ये जो बीटी जीन, जीन होती है ये क्या, किया? हम क्या करते हैं हैं फ्रॉम बैक्टीरिया और वहां पर जो है उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं इंटू द प्लांट्स ठीक है और इस, इस जीन के कारण क्या होता है इस टॉक्सिन के कारण क्या होता है कि जब भी इंसेक्ट उस प्लांट को खाने की कोशिश करते हैं या खाते तो वो जो यहां पे जो जीन होती है ठीक है एंड वो जो है वो क्या करती है वो अफेक्ट करती है वो पेस्टिसाइड की तरह काम करती है वो जो है वो इंसेक्ट के अंदर जाकर जो है वो यहाँ पे उसको क्या कर देती है उसको जो है वो एंडोसमोसिस कर देती है ठीक है उसको ब्लास्ट कर देती है उसके सेल्स को तो यहाँ पे जो है वो अफेक्ट देखने को मिलता है एंड इसी तरह से जो हम बीटी कॉटन का जो है वो इस्तेमाल करके अलग अलग वैराइटीज जो है क्रिएट की है हमने ठीक है सो यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट विदाउट नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड जो है हो जाता है एंड यहाँ पे कौन कौन सा यूज़ किया हमने बीटी कॉटन बीटी कॉर्न राइस टोमेटो पोटैटो एंड सोयाबीन ठीक है तो बीटी कॉटन है हमारे पास बीटी कॉर्न है बीटी राइस है बीटी टोमेटो है बीटी पोटैटो है सोयाबीन है वो अभी वो सब्जी मार्केट में आए जैसा लग रहा है मेरे को देखो कॉटन ले लो भैया राइस ले लो टोमेटो ले लो पोटैटो ले लो सोयाबीन ले लो चलिए तुम मेरे से ज्ञान ले लो सारी बीटी वराइटीज़ अपने पास अवेलेबल है चलो

ठीक है ये मैच मैच द द पेयर पेयर वाले वाले कोलिप टेरस में क्या आती है बीटल्स आती है देन की अगर हम बात करें तो डायब टेरस में क्या आता है देखो पे फ्लाइज एंड मॉस्किटो ठीक है तो डायब टेरस फ्लाइज एंड मॉस्किटो कोलिपटेर बीटल्स लेवर ऑफ टेरस में टोबैको वर्ड वोन आर्मीओम आ जाएगा ठीक है तो ये क्या करता है बैसिलस फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल्स ड्यूरिंग द पर्टिकुलर फेज ऑफ द ग्रोथ ठीक है ये प्रोटीन क्रिस्टल्स बनाता है एंड ये जो है इस क्रिस्टल्स में क्या आता है इसमें जो है वो टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है ठीक है तो वाई डिस टॉक्सिन डज नॉट किल बैसिलस ठीक है तो सिंपल सी बात है वो खुद के बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारता है अगर वो टॉक्सिक है तो सिंपल सी बात है ना अगर मेरे मुंह में अगर टॉक्सिन है मैं जो है देखा जाए तो क्या हूं मैं आ, विश विश आदमी हूं मैं विश कन्या होता है तो मैं विश बॉय हूं ठीक है मैं टॉक्सिक पर्सन हूं वैसे बहुत सारे लोग हमारे आजू बाजू में टॉक्सिक पर्सन होते हैं अपने मुंह से कुछ भी जो है वो जहर उगाते रहते हैं ऐसे बहुत से लोग होते हैं अपने आसपास तो आ, उसके ऊपर कोई इलाज नहीं है एक ही इलाज है कि इग्नोर करना ठीक है समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो विष पुरुष हाँ विष पुरुष जो है सपोज हो तो मेरे अंदर भी वो विष जाना चाहिए एंड हमें मरना चाहिए लेकिन सिंपल सी बात है यहाँ पे इंसेक्ट मरते नहीं है ये काफ़ी फेमस एम सी है क्योंकि ये जो टॉक्सिक रहता है ये जो टॉक्सिन रहता है ये कैसे रहता है इनएक्टिव फॉर्म में रहता है इंसेक्ट में ठीक है इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन फॉर्म में रहता है एक बार इंसेक्ट उसे ले लेता है तो उसका जो सलावा है या वो अल्कलाइन इन्वायरमेंट जो है वो उसके गट का ठीक है ये उसको क्या कर देता है टॉक्सिक टॉक्सिक कर देता है ठीक है वो सोल्यूबल कर देता है क्रिस्टल्स को एंड देन वो क्या करते हैं वो जो टॉक्सिन होता है वो बाइंड होता है सेल से ठीक है सेलिगट इपिथिरियल सेल से एंड वो क्या करता है उसमें पोर्स क्रिएट करता है तो उसके कारण क्या हो जाता है सेल विलिंग एंड फिर एट लाइसिस हो जाता है एंड इवेंचुअली यहां पर जो है इंसेक्ट की डेथ हो जाती है राम राम सत्य है डेथ इज अ सर्टन नो वन इज इनएविटेबल ओके सो स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स फिर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस थिरनेसिस ठीक है तो ये काफी प्लांट में डाली गई है और उसमें सबसे फेमस प्लांट जो आता है दैट इज कॉटन ठीक है द चॉइस ऑफ जीन्स डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप एंड टारगेटेड पेस्ट मतलब डिपेंड है कि कौन सा जीन डालना है, 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 uh, है, है कौन सा नहीं डालना है कौन से प्लांट में कितना डालना है ठीक है बीटी टॉक्सिन का कौन सा ग्रुप डालना है कौन से इंसेक्ट के लिए ज्यादा हार्मफुल है कौन सा ग्रुप जो होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है तो ये सारी चीजें जो है वो डिपेंड होती है पेस्ट uh, के ऊपर टारगेट कौन सा पेस्ट है मतलब कौन से इनसेक्ट को मारना है तुमको एंड क्रॉप कौन सा है क्रॉप का रेजिस्टेंस कौन सा है ठीक है सो ये जो टॉक्सिन जो जीन कोड करती है उसको अपन क्या बोलते हैं ठीक है सो यह टॉक्सिन बाय क्राइवन एसी ठीक है क्राइवन एसी जो है ये इस उपर, ये इसके इसके ऊपर ऊपर बहुत बार क्वेश्चन सो देर आर नंबर ऑफ देम ठीक है, मतलब है क्राइवन so, कॉटन में देखने को मिलता है प्रोटीन इनकोडेड बाय जीन क्राइवन एंड क्राइ टू एंट्रोल द कॉटन बोलवम्स ठीक है तो यहां पर कॉटन क्या आ जाएगा यहां पे देखो क्राई वन एसी क्राई टू ए बी कॉटन बोल्स क्राई वन एसी क्राई टू ए बी ठीक है स्मॉल में ठीक है एंड देन क्राई वन एबी ठीक है क्राई वन एबी जो है ठीक है क्राई वन एबी जो होता है वो कॉन के लिए इस इसको याद में रखो फिर बाकी दोनों तुमको आ जाएगा ठीक है क्राइवन ए बी जो होता है वो कॉर्न बोरर के लिए होता है क्रॉन कॉर्न बोरर के लिए होता है ठीक है क्राइवन ए बी इज फॉर कॉर्न बोरर फिर क्राइवन ए सी ए सी और ए बी ठीक है टू ए बी ए सी और टू ए बी जो है वो बोलवम्प्स के लिए ठीक है बोलवम्स ए सी ठीक है बोलवम्स कब होती है बोलवम्स कहाँ भी होती है ए सी में होती है ठीक है ए सी एंड ए बी में होती है एंड यहाँ पे अभी ए बी कौन सा है टू ए बी में होती है ठीक है टू ए बी में होती है टू ए बी में होती है एंड ए सी में होती है कॉटन बोलव कहां पे होती है टू ए बी में होती है या एसी में होती है एंड अपना कॉर्न बोरर जो है बोर हो जाता है तो वो वन ए बी में बैठ जाता है बोर होके वन ए बी चलिए बोलो बम ठीक है तो कॉटन यहां पे देखो डिस्ट्रॉयड बाय द बोलबम्स यहां पे दिया कितने बोलबम जो है कैसे डिस्ट्रॉय करती है प्लांट्स को ठीक है एंड दिस इज अ फुल्ली मैच्योर कॉटन बॉल जो है देखने को मिल रहा है आपने को नेक्स्ट प्लांट्स, सेवरल निमेटोड पैरासाइट्स वाइड वराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बेंग ठीक है तो यहाँ पे अनिमेटर, ठीक है काफी फेमस निमेटोड दैट इज मेले इनकॉग्टा ठीक है ये क्या करती है ये रूट ऑफ द टोबेको प्लांट को जो है वो काफी अफेक्ट करती है एंड वहाँ पे जो है वो उसके कारण क्या हो जाता है रिडक्शन uh, हो जाती है ठीक है एड में काफी रिडक्शन हो जाती है वे रूट्स को अफेक्ट करती है ऑफ द टोबैको प्लांट दिस इज अमेटोर दैट इज मेलेन इनकॉग्नेटा ठीक है तो इसके लिए एक काफी एक अलग मेथड जो है अपनाई गई थी इसको जो है इसका जो इन्फेस्टेशन जो है रोकने के लिए एंड उस प्रोसेस को अपन क्या, क्या बोलते हैं आर एन ए इंटरफियरेंस ठीक है आर एन आई ठीक है क्या बोलते हैं उसको अपन आर एन ए इंटरफियरेंस आर एन ए जो होता है वो आर एन आई कहाँ पर होता है वो होता है सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ठीक है इट इज हैपेंस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज इज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस ये सेलर मेथड सेलर डिफेंस की मेथड है ठीक है इसमें क्या करते हैं हम हम साइलेंसिंग करते हैं और स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल ठीक है हम जो इसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है इस्तेमाल करते हैं ठीक है और हम एम को जो है शांत कर देते हैं तो एम को जो है आगे बढ़ नहीं पाता है एम तो वहां पर क्या हो जाता है सिंपल सी बात है ट्रांसलेशन रुक जाता है क्योंकि बेसिक सी प्रोसेस हमको मालूम है ठीक है कि डी से बनता है आर है एंड आर क्या बनाता है आगे दैट इज सेंट्रल लोगमा ऑफ द लाइफ हमको मालूम है ठीक है सेंट्रल डोगमा ऑफ द लाइफ जो है हमको मालूम है डीएनए डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन ठीक है तो ये जो निमेटोड था निमेटोड ठीक है ये क्या करता था ये जो है वो प्रोटीन सिक्रेट करता था ठीक है ये प्रोटीन फॉर्म करता था ठीक है एंड ये प्रोटीन जो है वो एल्ड को डिक्रीज करते थे प्लांट में ओके तो हम क्या करते हैं यहां पे हम जो है वो क्या करते हैं अभी डी एन ए से जब एम आर एन ए बनता है ठीक है एम आर ए बनता है तो आप उन क्या कर देते हैं इसमें जो सिंगल स्टैंडर्ड होता है ठीक है सिंगल स्टैंडर्ड होता है इसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस होते हैं ए टी जी सी ठीक है तो हम क्या कर देते हैं यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री एम आर एम आर एन ए जो है वो रिलीज कर देता है ठीक है कॉम्प्लीमेंट्री एम आर एन ए जो है इसमें इंड्यूस कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है इसमें जो है बॉन्डिंग हो जाती है ठीक है अभी यहाँ पे देखो ए के यहाँ पे टी वाला भेजेंगे देंगे यहां पर जो है ए वाला यहाँ पे सी वाला जी वाला तो यहाँ पे क्या हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में यहाँ पे क्या हो जाता है बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है ठीक है बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ पे ये यह जो एम आर एन ए क्या होता है डबल स्टैंडर्ड आर एन ए हो जाता है डबल स्टैंडर्ड आर एन ए हो जाता है।, है तो हमको मालूम है क्योंकि हमको अगर प्रोटीन सिंथेसिस करना है तो हमको सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए चाहिए क्योंकि वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो है वो राइबोज के अंदर से जाएगा और उसके कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन जो है वो टी देखेगा कोड करेगा और फिर वो अमोनो एसिड को लाएगा और फिर वहां प्रोटीन होगा लेकिन जैसे ही यहां पर जो है डबल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर्म हो जाता है ठीक है यह प्रोसेस आगे नहीं बढ़ती ट्रांसलेशन जो है वो नहीं होता है और इसी को अपन क्या बोलते हैं आरएनआई साइलेंसिंग ठीक है आरएनए को साइलेंस करना क्लियर है ठीक है सो सोर्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री आरएन कुड बी इन्फेक्टेड बाय द वायरस आरएनए जो ठीक है एंड मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स क्या बोलते हैं जो बोलते हैं है जो दैट रिप्लिकेट वायन uh, वायन आर एन इंटरमीडिएट ठीक है तो ये ध्यान में रखो चलो यूजिंग एग्रोबेक्टेरियम वैक्टर्सिफिक जीस वेर इंट्रोड्यूस इंटू द होस्ट प्लांट ठीक है एग्रोबेक्टेरियम को हम वैक्टर्स यूज करते हैं हमने देखा सुबह दोपहर को बारह बजे देखा हमने ठीक है आज के पहले वाले लेक्चर में देखा हमने कि हम प्लांट में क्या यूज करते, है? करते हैं एग्रोबैक्टेरियरम ट्यूबिफिशन यूज करते हैं मोस्टली ठीक है सो नोट स्पेसिफिक जीस जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस की जाती है इंटू द होस्ट प्लांट्स ठीक है यहाँ पर हम एग्रोबेक्टेर टूबिशन करते हैं उसमें क्या करते हैं नोमेट स्पेसफिक जीस जो है वो डाल देते हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ डी एन ए सच देट इट प्रोड्यूसेज बोथ अब ये डीएनए क्या करता है सिंपल सी बात है ये डीएनए जो है क्या है? करता है सेंस एंड दोनों प्रोड्यूस करता है ठीक है मतलब कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जो है प्रोड्यूस करता है जैसे कि हमने बोला यहाँ पे क्या करता है कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जो है यहाँ पे क्या करता है ये प्रोड्यूस करता है ओके एंड दिस टू जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो क्या कर लेते हैं यहां पे डबल बॉन्ड बना लेते हैं एक दूसरे के साथ ठीक है और यहाँ पे जो है वो स्पेसिफिक जो है वो साइलेंस हो जाता है नेमेटोड का जो है है साइलेंस हो जाता एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट जो है पैरासाइट जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता ठीक है थीके? पैरासाइट uh, जो है सर्वाइव नहीं कर सकती इन द ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग द स्पेसिफिक इंटरफेरिंग आर एन एंड देन द the, वो जो है प्लांट जो है क्या कहते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन मिल जाता है खुद को पैरासाइट से प्लांट को सो दिस इज आर एना साइनसिंग नोमेटो मेलाडोनी इकॉगनेटिका मेलाडोनी इंकॉग्नेटीमा जो है यूज़ की जाती है अगेंस्ट द कहाँ कौन सा प्लांट टोबैको प्लांट में यहाँ पे जो आप देख सकते हो ठीक है नोमेटो इन्फेक्शन यहाँ पे कितना जो है वो नोमेटो इन्फेक्शन होता था ठीक है नोवेल मैकेनिज्म से यहाँ पे क्या हो गया ये बचा लिया हमने प्लांट को ठीक है बचा लिया प्लांट को नहीं तो यहाँ पे ये खराब होने चला जाता नोड्स ट्यूबर फॉर्म हो रहे थे यहाँ पे ओके तो क्लियर है एमसीक्यू सॉल्व करें कुछ चलिए मैं देख रहा हूं सबको चलिए चलो बताओ इन्सेक्ट पेस्ट को रजिस्टेंट है एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटोटॉक्स टू द एक्टिव टॉक्सिन ऑफ दैसे एंड वोलॉट ट्रगर द एक्टिवेशन ऑफ प्रोटोटॉक्सिन टू एक्टिव टॉक्सन क्या ट्रिकर करता है अल्कालाइन पीएज ऑफ द गट ठीक है डी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट विच ऑर द फॉलो इज अ ट्रू फॉर गोल्डन राइस गोल्डन राइस के लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट ट्रू है ठीक है सो सिंपल सी बात है इट इज अ विटामिन ए इन रिच एंड इट फॉर्म्स अ जीन फ्रॉम द डेफोडोली ठीक है डेफोडोली से जीन फॉर्म करता है ये तो ये बी आ जाएगा यहाँ पे इन आर एन आई द जीन्स यूजिंग सिंपल से डबल स्टैंडर्ड आर एन ए डबल स्टैंडर्ड आर एन ए नेक्स्ट विच पार्ट ऑफ टोबेको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय द मेलेटिकॉगनी इनकेगनेटा कौन सा प्लांट करता है रूट जो है वो अफेक्ट करता है यहाँ पे ठीक है काफी ईजी चलिए क्लियर कितना सिंपल लग रहा है कितने ईजी लग रहे हैं ना लल्लू लल्लू एमसी लग रहे हैं लल्लू राइसिकलीप प्लांट्स व अल्कालाइन पी एच ऑफ द गडो फिर से वही वही क्वेश्चन आया ये सारे पॉइंट मैंने अभी क्या अभी कवर किया तुम्हारे सामने ओके द क्रॉप्स इंजीनियर फॉर द ग्लाइकोफॉस्पेट आर रेजिस्टर्ड टू द टॉलर टू द क्रॉप्स इंजीनियर्स ऑफ द ग्लाइको फॉस्फेट आर रजिस्टेंट टू देंट टू द बता दीजिए क्या आ जाएगा यहां पर ठीक है हाँ यह आपको मालूम नहीं होगा तो यहां पर जो है क्या आएगा हार्बी आ जाएगा, जाएगा. ठीक है विच आर द फॉलोइंग बीटी क्रॉप इज बिंग ग्रोन इन इंडियन बायर्स कौन सा मोस्टली यूज किया जाता है इंडियन फार्म कॉटन चलिए आर एन ए इंटरफियर में क्या होता है आर एन ए इंटरफियर में सिंपल सी बात है साइलिंग द स्पेफिक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए राइस kind of खाने का सिंपल सी बात है ओके चलो टोबैको प्लांट्स रेजिस्टेंट टू बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए प्रोड्यूसर्स क्या प्रोड्यूस करता है बता दीजिए ठीक है बोथ सेंस एंड एंटीसे दोनों तैयार करता है वो ठीक है डीएनए क्या करता है बोथ सेंस एंड एंटीसे दोनों क्रिएट करता है अभी, -अभी मैंने अंडरलाइन करके दिया

प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक्लांट रेजिस्टेंट टू दीक है किसके लिए बैंगन है इंसेक्ट रजिस्टेंस के लिए बैंगन है चलिए सम ऑफ द कैरेक्टर ऑफ बीटी कॉटन बीटी कॉटन के करेक्टर क्या है ठीक है बोलवम्स बोलवम्स कॉटन में होता है तो सिंपल सी बात है चलिए इंप्रूव वैरायटी ऑफ ट्रांसजेनिक बासमती राइस कौन सा होगा इंप्रूव वैरायटी ऑफ ट्रांसजेनिक बासमती राइस चलो बोलो ठीक है इट गिव्स हाई एल्ड एंड इट इज रिच इन विटामिन ए इट गिव्स हाई एल्ड एंड इट रिच इन विटामिन ए चलो द बैक्टीरियम बैसिलस इज वाइडली यूज इन अ कंटेम्प्रेरी बायोलॉजी एज बता दीजिए क्या आएगा इसका इंसेक्टिसाइड्स ठीक है वॉट इज द एंटीसेंस टेक्नोलॉजी एंटीसेंस टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं ठीक है आर्यन जो है उसका कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंस तैयार करते हैं जो आ, क्या करता है स्टॉप द एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन ये ऑप्शन आ जाएगा यहां पे क्राई वन इंडोटॉक्स ऑफन फ्रॉम बैसिलस थेरोजेनेसिस क्राई वन ठीक है क्राई वन किसके लिए होता है चलो बोलवम्प के लिए क्राई वन बोलव के लिए होता है सिंपल सी बात है क्योंकि वहां पे क्राई टू एसी किसके लिए है कॉर्न बोरस के लिए ठीक है क्राई टू ए बी चलो ट इज ट्रू अबाउटी टॉक्सिन बताओ वट इज ट्रू अबाउटी टॉक्सिन इसमें क्या होता है इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन कन्वर्ट इंट इनसे ट्रांजेनिक प्लांट्स आर दिन ट्रांजेनिक प्लांट्स में क्या देखने को मिलता है अपनेटेड बाय द इंट्रोड्यूसिंग फॉर इन डी एन इन टू द सेल एंड प्लांट विद्लांट ऑफ द सेल सिंपल सी बात है चलो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द यूज ऑफ हर्बिस जेमेटिक्रॉप इज टू मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोडक्शन ऑफ हर्बिस जेनेटिकली मोडिफाइड क्रॉप इज टू सिंपल सी बात है इसमें क्या लगा देंगे आप हमको वीड्स इलिमेट करना होता है फ्रॉम द हेड विदाउट यूज ऑफ मैनुअल लेबर ठीक है हमको जो है वो कामगार नहीं लगाने ठीक है अपने आप वीड जो है चला जाना चाहिए इसलिए जो है हर्बी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है हम क्रॉप यूज करते हैं ठीक है गोल्डन राइस इज अ प्रोमेसिक ट्रांसजेनिक क्रॉप ठीक है एंड वेन रिलीज फॉर द कल्टिवेशन ये क्या करते हैं सिंपल सी बात है बोलो क्या आ जाएगा चलो चलो ठीक है

सो बाई टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन द रिकॉम डी एन ए टनोलोजल प्रोसेस मेड इम्स इंपैक्ट इन एरिया ऑफ हेल्थलिंग द मास्डक्शन ऑफ द सेफ ऑफ द सेफ एंड मोर इफेक्टिव थे फर्द द रिकॉमेंट थेराबोटिक्स डू नॉट इंडस अनवॉन्टेड इमोलॉजिकल रिस्पॉस इन कॉमन केस ऑफ सिमिलर प्रोडक्स एंड आइसोलेटेड फ्राम द नॉन ह्यूमन सोर्सेस ठीक है एट प्रेजेंट अबाउट थर्टी रिकॉमिनेट थेराबिक्स है देखा जाए तो सिंपल से पता है कितने थर्टी इसको याद में रखो एमसी पॉइंट है ठीक है कितने जो है यूज किए गए थर्टी रिकॉमेंडेड प्रोडक्ट्स फॉर द ह्यूमन अप्रूव फॉर द ह्यूमन यूज थर्टी एंड इन इंडिया उसमें से कितने हैं इंडिया उसमें से बारह है ठीक है ओवरऑल वर्ल्ड में थर्टी जो है यूज किए गए हैं और उसमें से बारह जो है वो इंडिया में ये है यह फेमस एमसीक्यू है चलिए चलो बस फ्लैश की स्पीड में ठीक है देन उसके बाद आता है जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन ठीक है यू नो दैट कि पहले जब जमाने में डायबिटीज होता था ठीक है मतलब अभी टाइप वन होता है टाइप टू होता है टाइप टू तो थो थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है अगर शुगर लेवल कंट्रोल किए तो टाइप वन में इंसुलिन डिफिशियंसी होती है ठीक है तो उनको इंसुलिन इंजेक्ट करना पड़ता था तो शुरुआत में जब इंसुलिन आर्टिफिशियल नहीं बनता था तो वो क्या कर लेते वो जो है वो अदर एनिमल्स के जो है लीवर से जो है वो लेते थे पैनक्रियाज से जो लेते थे ठीक है एंड ये जो है वो उनको पता चला कि ये उतना इफेक्ट होता है जितना ह्यूमन में होता है ठीक है लेकिन कभी कभी इसको ह्यूमन बॉडी जो है रिस्पॉन्स नहीं देती थी ठीक है सिंपल सी बात है ह्यूमन बॉडी को बाहर की चीजें पसंद नहीं है ठीक है तभी ऑटो इम्यूनिटी जो है वो जागी हो जाती है वहां पे सो so, यहाँ पे देखा जाए तो वहां पे उन्होंने इमेजिन किया कि अगर एक बैक्टीरिया है जो क्या करे कि ह्यूमन के ह्यूमन uh, के लिए जो क्या करे इंसुलिन प्रोडक्शन करे ठीक है और फिर ऐसा जो ख्याल दिमाग में आया तभी से जो उसके ऊपर रिसर्च चालू हुआ एंड अभी जो है वो हम बायोसिंथेटिकली जो है वो इंसुलिन बना सकते हैं so, सो इंसुलिन यूज फॉर डायबिटीज वॉज अर्लियर एक्सेप्टेड फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटेड कैटल एंड पिक्स ठीक है स्लॉटेड कैटल एंड पिक्स में जो है एक्सट्रैक्ट कर देते एंड इसमें जो देखा जाए एक तो पेटा वाले फिर इसको अभी अभी के समय में अगर कैटल और पिक्स से ये पैनक्रियाज निकाल देते तो पेटा वाले इनके पीछे धपेटा लेके मारते पीछे लगते थे इनके ठीक है तब तो इतना नहीं था लेकिन अभी तो बहुत कुछ चीज़ें आ गई है एंड वो एनिमल की हत्या मानी जाती थी और वो यहाँ पर इम्यूनिटी के भी इश्यू थे तो यहाँ पे उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर क्या देखा कि इंसुलिन का जो है वो दो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है मतलब जो मैच्योर इंसुलिन होता है ठीक है वो दो पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है दैट इज ए एंड बी ठीक है और ए एंड बी में कौन से बॉन्ड होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं ठीक है डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं अभी मैमल्स में, में अगर बात करें इंसुलिन जो होता है वो किससे सिंथेसाइज होता है ये प्रो हॉर्मोन से सिंथेसाइज होता है दैट इज प्रो इंजाइन या प्रो इंसुल से जो है वो सीक्रेट होता है तो प्रो इंसुलिन में क्या होते हैं तीन चेन्स होते हैं ए बी एंड सी सो प्रो इंसुलिन में एक, एक एक्स्ट्रा चेन होता है दैट इज अ सी ठीक है सी ये देखो सी तो ये एक्स्ट्रा है सी दिस इज अ ए एंड दिस इज अ बी ठीक है जब हम यहां पे इसको काट देते हैं ठीक है सी वाला जो है अलग हो जाता है ठीक है सी वाला इससे अलग हो जाता है तब तो मैच्योर ए एंड बी वाला जो है इंसुलिन यहां पर बन बन जाता है ठीक है तो यह काफी एमसीक्यू है ठीक है इसको ध्यान में रखो एंड सी इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन यही यहां पर जो है बताया गया है ओके okay.

कंपनी अवेलेबल है यह आज भी ऐसा नहीं कि बंद हो गई है आज भी लली लीली कंपनी चालू है आज भी इसका प्रोडक्शन चालू है ठीक है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है वन ऑफ द इंडिया अमेरिका की लार्जेस्ट कंपनी जो है आज का आज जो है वो दिखी जाती है ठीक है या सो दैट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द टू डीएनए सीक्वेंसेस करस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेंज ऑफ ह्यूमन इंसुलिन एंड रिट्रूसर डेम इंटो द प्लाजमिड इकोलाय ठीक है उसको जो है वो प्लाजमिड गया सिंपल सी बात है दोनों चेंज्स को एंड वो क्या प्रोड्यूस करता है इंसुलिन चेंज जो है प्रोड्यूस करता e है इक्वालाय जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया ठीक है एंड चेंस ए एंड बी वर प्रोड्यूस सेपरेटली एंड दोनों चेंज अलग अलग प्रोड्यूस करते थे और फिर उसकी असेंबलिंग करते थे ठीक कर है उसको जो है डायसलफाइड ब्रिजेस से जो जुड़ जाती है टू फॉर्म अ ह्यूमन इंसुलिन सिंपल सी बात है इिली एिली चलिए इफ द पर्सन इज बॉर्न विद्यूनरी डिसीज कैन करेक्टिव थेरेपी ठीक है उसको हम करेक्टिव थेरेपी दे सकते हैं जीन थेरेपी दे सकते हैं एंड जीन थेरेपी अ कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउज द करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट ठीक है defect, uh, जो डायग्नोस किया गया इनटू चाइल्ड और एम्ब्रियो में ठीक है इसमें क्या किया जाता है जीन जो है वो इंसर्ट की जाती है इनटू द पर्सन सेल्स एंड टिश्यूज टू ट्रीट द ठीक है करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स इन्वॉल्व द डिलीवरी ऑफ द नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल ऑफ द एम्ब्रियो ठीक है जो क्या कर लेती है वो माल जो दूसरी डिफेक्टेड जीन है उसका फंक्शन जो है वो टेक ओवर कर लेती है ठीक है नॉन फंक्शनल जीन का फंक्शन जो है टेक ओवर कर लेती है और डिसीज जो है बचाने का काम करती है तो पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी दिस इज अ फेमस एमसीक्यू वेरी फेमस एमसीक्यू फ्रॉम दिस चैप्टर फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन बाय नाइनटीन नाइनटी चार साल के बच्ची में दी गई थी ठीक है उसमें क्या थी एडोनेसिन डी जो है वो एडोनेशन पे देखने को मिलती थी दिस इज फॉर द इम्यून सिस्टम टू द फंक्शन ठीक है 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 ये जो क्या करता इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रॉग बनाता है एंड पे यह, यहाँ पे ये क्या एडोनेसिन डी डीएमएनएस के चलते इम्यूनिटी जो है काफी वीक हो जाती थी ठीक है डिलीशन ऑफ जीन हो जाता है जो प्रोड्यूस करता है एडोनेसिन डी डीएमआनएस के लिए एंड यहां पे जो है अभी यहां पे क्या किया जाता है जिसको एडीए डिफिशंसी है चाइल्ड को ठीक है एडीए डिफिशंसी है अभी पता चल गया ठीक है अभी बच्चा हो गया है चाइल्ड है वो कैसे करेक्ट कर सकते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं बोन मैरो थीके? बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं अपन सिंपल सी बात है ठीक है इस पे क्या करते हैं हम फंक्शनल को जो है वो फंक्शनल एडीए जो है डिफिशियंसी देते हैं मतलब फंक्शनल एडीए जो है डायरेक्टली हम डाल देते हैं ठीक है थीके? एंड कभी कभी हम क्या करते हैं सिंपल सी बात है एंड इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी हम दे सकते हैं आफ्टर बॉर्न इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी मैरो डाल दिया तो उसमें एडी अपने आप बन जाएगा ठीक है क्योंकि बोन मारे से यहां पे जो है वो बनता है देन इसमें आप इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते सेकेंड ठीक है एडीए एडमिनिस्ट्रेट करते हैं आप उन. दे देते उसको ऊपर से ठीक है ये क्या है ये आफ्टर द बर्थ है आफ्टर बर्थ ऑफ द चाइल्ड ये मेथड जो है क्या है आफ्टर द बर्थ है ठीक है सो यहां पे प्रॉब्लम था कि ये जो है वो कंप्लीटली है मतलब उसको प्रॉब्लम आ ही जाती थी कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है उसको हार्मोनल थेरेपी बार 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 जो है वो देने को हम मजबूर हो जाते थे ठीक है बोन मैरो जो है वो अगर वो सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हुआ तो ठीक है नहीं हुआ तो फिर से वही प्रॉब्लम सो यहां पे क्या किया गया फर्स्ट स्टेप जो है टूवर्ड्स लिया गया जीन थेरेपी में ठीक है लिम्फोसाइड्स फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट दट आर ग्रोन इन अ कल्चर इनसाइड द बॉडी ठीक है पेशेंट से जो है वो क्या लिया जाता है लिम्फोसाइड्स लिया जाता था उसको कल्चर में आउटसाइड ग्रो जाता ADA, cDNA, vector, किया जाता था एंड द फंक्शनल एडीए दैट इज सी डी एन ए यूजिंग अ रेट्रोवायर वैक्टर जो है उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता था ठीक है रेट्रोवायरस के थ्रू जो है रेट्रोवायरस में क्या किया जाता है वहाँ पर सी डी एन ए जो है डाला था कॉम्प्लीमेंटरी डी एन ए जो है डाला जाता था मतलब यहाँ पे क्या किया जाता था अभी ये जो पेशेंट है एम्ब्रियो में पेशेंट का एम्ब्रियो है ठीक है उससे लिम्फोसाइट ली जाती थी ठीक है और उसको उसका कल्चर किया जाता था कल्चर ठीक है आर्टिफिशियल कंडीशन में ओके अभी यहां पे क्या किया जाता है इसको जो है यहां पे आरएनए आरएनए जो है लिया जाता थे, हाँ थे, था यहाँ पे आर आरएनए बोल रहा हूँ रेट्रोवायरस ठीक है रेट्रोवायरस में क्या कहा जाता है कॉम्पलीमेंटरी डीएनए ठीक है जो क्या प्रोड्यूस करता है जो एडीए प्रोड्यूस करता है एडीए के लिए कोड करता है और फिर यह जो है वह कॉम्पलीमेंट्री रेट्रावास जो है वो, वो कहां पे डाले जाते हैं सिंपल सी बात है कल्चर में ठीक है कल्चर में क्या है लिंफोसाइट्स ठीक है तो जैसे यह रेट्रोवायरस लिंफोसाइट्स के अंदर डाले जाते थे ये जो लिंफोसाइट जो है ठीक है इसमें क्या हो जाता था इसमें जो है वो सिंपल सी बात है इसमें जो है वो डाले जाते थे और फिर ये लिंफोसाइट जो है वो फिर से पेशेंट के बॉडी के अंदर डाल देते थे तो इसमें क्या होती थी एबिलिटी आ जाती थी ठीक है उसमें एबिलिटी आ जाती थी प्रोड्यूसर एडिनेस डी ठीक है तो ये ध्यान में रखो और फिर ये जो है ये कल्चर जो है फिर से पेशेंट में डाला जाता था ओके okay? तो यहां पे जो है वो क्या कर जाते दिस इज और ये कहां पे किया जाता है स्टेम सेल्स में किया जाता है एम्ब्रियो में किया जाता है ठीक है तो ये यहां पे जो है वो सिंपल सी वही जाग जो है बात है ऑल द सेल्स आर दिस आर नॉट नॉट इमोट सिंपल सी बात है तो यहाँ पे ये सारी की सारी सेल्स जो है वो इमोटल नहीं होती ठीक है तो ये मरने वाली है सिंपल सी बात है तो यहाँ पे जो है वो पीरियडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइड जो है लगता था ठीक है इफ द जीन्स आइसोलेट फ्रॉम द बोन मैरो ठीक है एंड प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस इन टू द सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज इट बीड विद परमानेंट क्योर ठीक है अगर हम ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में करते थे सिमिलर मेथड ठीक है हम जीन्स जो है मैरो सेल से जो है वो ले लेते हैं एंड उसको जो है वो डाल देते इन टू द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस इट कुड बी द परमानेंट क्योर ठीक है यहाँ पे जो है परमानेंट क्योर एम्ब्रियो में जो करेंगे अपन लोग हो क्या होगा परमानेंट क्योर क्योंकि स्टेम सेल्स लेंगे यहां पे हम स्टेम सेल्स से बॉडी सेट फॉर्म होती है ठीक है तो ये लिम्फोसाइट वाली हम जो है अडल्ट में भी कर सकते हैं लेकिन अडल्ट में क्या करना है का? बार बार करना पड़ेगा रिपीटेड ओके चलो क्लियर है समझा समझा क्या क्लियर सो गए क्या चलो हेलो हाय माय नेम इज डॉक्टर इजॉक्टर एंड वेलकम बैक टू बायोकट्टा कैसे हो मेरे बैंगनों कैसे हो भी ना खा लिए क्या जिंदा हो गया चलो सो मोलिकलर डायग्नोसिस यू नो दैट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज ठीक है अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है तो बहुत सारी डिसीज जो है कंप्लीटली क्यूरेबल है कैंसर अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट हो जाता है ठीक है तो uh, यहाँ पे जो है हम कैंसर भी जो है वो क्योर कर सकते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे कन्वेंशनल मेथड में क्या आ जाता है सीरम को चेक करना यूरिन का सैंपल देना अभी किसी किसी को शर्म आती है ठीक है अभी आ, वो मेरा एक दोस्त था अभी तुमको एक किस्सा सुना था मेरा एक दोस्त था ठीक है हम जो है वो मेरा मतलब रूम पार्टनर ही था ठीक है वेंकट नहीं दूसरा एक रूम पार्टनर था उसको जो है ना फीवर आ गया एकदम से फीवर आ गया वो बीमार पड़ गया तो फर्स्ट ईयर में थे हम तो उसको लेके हम हॉस्पिटल में गए ठीक है तो जैसे उसको चेक किया अभी चेक किया तो डॉक्टर ने बोला कि वायरल हो सकता है लेकिन फॉर द प्रिकॉशनरी मेटर हम क्या करते हैं यूरिन सैंपल जो है चेक करते हैं तो उसको डॉक्टर ने क्या बोला कि ये ये वहाँ पे एक नर्स आई उसने उसको एक शीशी दिया ठीक है एक बॉटल दिया और बोला कि जाओ इसमें आपका यूरिन सैंपल लो अभी फिर हम चले गए मैं उसको मैं बाहर रुका वॉशरूम के वो अंदर चला गया अभी दस मिनट हो गए अभी पंद्रह मिनट हो गए अभी बीस मिनट हो गए अरे मैं बोल रहा हूँ ये बंदा बाहर क्यों नहीं आ रहा है ठीक है मैं बाहर क्यों नहीं आ रहा है मतलब अभी कितना करेगा मतलब क्या पूरा मतलब समंदर लाएगा उसमें इतनी सी बॉटल उसमें कितना भरेगा तो मैं उसको आवाज़ दिया कि क्या हो गया अरे क्या हो गया तो वो बोलता है कि भैया अरे मतलब शुभम मेरे को आ रही नहीं है तो इनको कहाँ से सैंपल दो बोले सुबह से मैंने पानी नहीं पिया है आ रही नहीं है तो सैंपल कहाँ से दे बोले तो हम जो है उसको बाहर लेके गए ठीक है उसको तीन चार नारियल के जूस पिलाए हमने उसको एक उसको मजबूरी में एक लीटर का पानी पिलाया मैंने ठीक है फिर आधे पाउन घंटे के बाद जो है उसने जो है वो यूरिन सैंपल वहाँ पर दिया ठीक है सो so, ऐसा हो जाता है ये कन्वेंशनल मेथड जो है वो भरोसे के लायक नहीं होती ठीक है ऐसी ऐसी चीज़ें जो है वहाँ पे देखने को मिलती है ठीक है चलो सो द अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल ठीक है यहाँ पे अर्ली डिटेक्शन इससे पता नहीं चलता होने के बाद पता चलता है so, सो हम जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डी एन ए टेक्नोलॉजी करते बेटा बीमार आदमी को कॉफी नहीं पिलाते शिफा डॉक्टर बनने के बाद कॉफी पिलाएगी हैं कॉफी पीते नहीं है एडिक्शन हो जाता है और बीमार आदमी को कॉफी पिलाएगी तू और अल्कोहल पिलाएगी बीमार वाली को अरे मेरे डॉक्टर वारे मेरे डॉक्टर क्या बात है अल्कोहल पिलाने का वाह 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 हो मेरे माए बाप चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है सो अर्ली डिटेक्शन के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम सिंपल सी बात है और उसमें सबसे बेहतरीन मेथड जो अभी मानी जाती है दैट इज यहां पे जो है वो पॉलीमर चेन रिएक्शन ठीक है पॉलीमर चेन रिएक्शन एंड उसमें और एक मेथड दैट इज इंजाइम लिंक इमोनोसार्बन एसाइड जो एड्स के लिए यूज करते हैं हम ठीक है आर द सम ऑफ द टेक्निक्स दैट सर्व पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ठीक है चलिए सो प्रेजेंस ऑफ पैथोजन बैक्टीरिया एंड वायरसेस इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन पैथोजन हैज सिम्टम सिंपल सी बात है। अगर कोई डिसीज सिम्टम प्रोड्यूस करेगा तभी जो है हम कह सकते हैं कि यहां पे हमको जो है डिसऑर्डर हुआ है ठीक तो है तो बाय दिस टाइम वो अपने सिम्टम दिखाए वहां तक जाने तक उनका कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में जो है वो काफी बढ़ चुका होता है ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं ऐसी मेथड जो है कर सकते हैं जिसमें क्या है? हो जाए लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया वायरस हो एंड वो जो है लो से लो कॉन्सेंट्रेशन जो है हम क्या कर पाए बैक्टीरिया वायरस का डिटेक्ट कर पाए ठीक है बाय एम्पलीफाइंग देयर न्यूक्लिक एसिड और ये कैसे कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ पीसीआर ठीक है सो दैट्स व्हाई पीसीआर जो है वो इज नाउ रूटीनली यूज टू डिटेक्ट एच आई वी ठीक है हम कोरोना में भी यूज करते थे कोरोना में भी यूज किया है कोरोना के टेस्ट का नाम क्या था कोरोना में कौन सी टेस्ट करते थे एक होती थी रैपिड एंटीजन टेस्ट ठीक है लेकिन वो इतनी श्योर शॉट नहीं थी तो हम क्या करते थे आर टी पी सी आर आर टी पी सी आर ठीक है

को नहीं इस्तेमाल करते बेटा आरटीपीसीआर यूज करते हैं ठीक है सो so, यहां पर क्या किया जाता है अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए टैग किया जाता है विद मॉलिक्यूल उसको क्या बोलते हैं अपन प्रोब ठीक है और उसको जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ जो है उसको क्लोन किया जाता है जैसे हमने इसमें किया ठीक है हमने बायोटेक्नोलॉजी में किया ठीक है और वो उसका डिटेक्शन हम कैसे कर सकते हैं कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि नहीं बाय द हेल्प ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी ठीक है नाउ अभी जो जीन है अभी जो क्लोन है वो म्यूटेटेड जीन से बना है ठीक है तो वहां पे क्या होगा वो इट विल नॉट अपेयर ऑन द फोटोग्राफिक फील्ड द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल हेंस नॉट अपेयर ऑन द फोटोग्राफिक फील्ड बिकॉज प्रो विल नॉट हैव विद द म्यूटेटेड जीन ठीक है ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है सिंपल सी बात है हम डीएनए को आरएनए को टैग करके डाल रहे तो रेडियो एक्टिव मॉलिकुल है तो वो ऑटो रेडियोग्राफी पे दिखेगा हमको ठीक है लेकिन जिसमें यहां पे जिसको हमने क्या किया रिकॉमिनेट डीएनए प्रोड्यूस किया है उसका प्रोप जो है यहां पे रिप्लेस हो गया ठीक है तो वो रेडियोग्राफ पे दिखेगा ही नहीं तो जो रेडियोग्राफ पे दिखेगा नहीं वो क्या होगा वो अफेक्टेड म्यूटेटेड जिन होगी नहीं दिखता है ठीक है जो नहीं दिखता है वो म्यूटेटेड होता है सो एलेजा इज बेस्ड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ठीक है एलेजा किसके ऊपर बेस्ड है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन ठीक है एंड इन्फेक्शन बाय द पैथोजन कैन बी रिटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ठीक है एंटीजन है तो हम पहचान पो, लेते हैं इसको पहचान लेते हैं हम इसको ठीक है दैट इज प्रोटीन एंड ग्लाइकोपेटिस रैपिड एंटीजन टेस्ट जो हम क्या कोरोना में करते थे अगर एंटीजन है कोरोना का तो हमको पता चल जाता था ठीक है और हम क्या कर सकते हैं सिंपल सी बात है एंटीबॉडीज जो है वो श्योर श्यार मेथड होती है ठीक है एंटीबॉडीज है मतलब क्या एंटीजन ऑलरेडी और उसके हमारे बॉडी ने उसके खिलाफ क्या कर लिया है एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस कर लिया है तो वो एंटीबॉडीज अगर प्रेजेंट है तो हमको पता चल जाता है कि यहाँ पे जो है वो पैथोजन है ओके चलो नेक्स्ट ट्रांजेनिक एनिमल्स एनिमल्सर डीएनए मेलिपुटेड टू पोजेस एक्सप्रेस एक्स्ट्रा जीन आर कॉल्ड एस ट्रांसजेनिक एनिमल्स ठीक है जो क्या करते हैं सिंपल सी बात फॉरेन जीन को एक्सप्रेस करते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में ट्रांसजेनिक एनिमल्स इसमें सबसे फेवरेट सबसे मोस्ट यूजेस्ट ट्रांसजेनिक रैट्स ठीक है उसके बाद फिर रेबिड पीक शीप काउज पीस जो है यहां पर आ जाएंगे ट्रांसजेनिक ऑल दो नाइनटी फाइव परसेंट कौन है माई से नाइन्टी फाइव परसेंट जो यूज किया जाता है जेनेटिक स्टडी के लिए क्या माइस यूज किया जाता है ठीक है सो नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट यहाँ पे अगर हम देखें ठीक है ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइन टू ऑल आउ द स्टडी ऑफ हाउ द जीन्स जो है रेगुलेट होती है उसके स्टडी के लिए जो हम यूज कर इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें जो फैक्टर डाल रहे हैं तो उसमें ग्रोथ फैक्टर कैसे कर रहे हैं इंसुलिन फैक्टर कैसे अफेक्ट कर रहा है ठीक है तो अगर उसमें कुछ अल्टर हो रहा है क्या जेनेटिक मेकअप में कुछ चेंजेस हो रहा है क्या साइड इफेक्ट दिख रहे हैं क्या तो ये सारी चीज़ें जो है हम नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट में जो है देखते हैं डिसीज की स्टडी जो है हम कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स ठीक है सो so, ये क्या करता है हमको हम डिसीज कैसे रिएक्ट करता है जो है हमको पता चलता है बाय यूजिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स ठीक है एंड uh, जैसे कि टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल्स एग्जिस्ट फॉर ह्यूमन डिसीज ठीक है सच एज किसके लिए जो है एनिमल्स मॉडल्स इसके डिसीज है कैंसर सिस्टिक फाइब्रोसिस आर्थराइटिस एंड अल्जाइमर्स ये हम सबके पॉइंट में आ सकता है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से डिसीज के स्टडी के लिए फिलहाल अवेलेबल है तो इसमें कैंसर 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 एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस सी सी आर है एंड अल्जाइमर ठीक है आरे आर वह रास रा, रास के लिए अवेलेबल ठीक है रिमर्थर अर्थराइटिस अल्जाइमर ठीक है सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड कैंसर रास ठीक है आरे डबल सी कर लो राख ले लो तुमको जो करना है वो करो ठीक है चलिए देन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ठीक है मेडिसिन रिक्वायर्ड जो है वो सिंपल सी बात है बहुत सारे प्रोडक्ट हमको करने पड़ते हैं ठीक है थीके? जो हमको क्या करते हैं ट्रांजेंड एनिमल जो क्या करता है इसका जो है वो हमको प्रोडक्ट का इस्तेमाल बताता है ठीक है डिजायर जीन कैसे प्रोड्यूस होता है किस हिसाब से प्रोड्यूस होता है ठीक है और उसमें सबसे बेहतरीन जो बायोजील प्रोडक्ट अब तक बना है दैट इज अल्फा वन है ये किसके लिए यूज किया जाता है इट इज यूज टू ट्रीट इंफीसीमा ठीक है केरला सीई में शायद ही एमसी आया था ठीक है अल्फा वन ह्यूमन प्रोटीन जो है वो क्या करता है इट इज यूज इम्फीसीमा ठीक है फीनिल किन्यूरिया के लिए जो है सेवरल आइटम जो है हुए हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए ठीक है एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए भी यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे जो है प्रोडक्ट यूज़ किए गए हैं 1997 की अगर हम बात करें ठीक है तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी जो है वो यहाँ पे आई थी फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी ठीक है जिसने क्या किया था ह्यूमन इनरिच जो है वो मिल्क प्रोटीन प्रोड्यूस करती थी दैट इज टू पर लीटर ठीक है प्रोटीन इन रिच मिल्क फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी ठीक है द मिल्क में क्या आता था, था तो मिल्क कंटेन ह्यूमन अल्फा लेक्टिव अल्ब्यूमिन ठीक है जो काफी बैलेंस देता था ठीक है ह्यूमन बेबीज को कंपेयर टू द नेचुरल काउमिल्क क्या होता है उसमें अल्फा लैक्टो अल्ब्यूमिन होता है ठीक है अल्फा लैक्टो अल्ब्यूमिन ट्रांजेनिक कामिक क्या था अल्फा लैक्टो अल्ब्यूमिन कौन सी थी फर्स्ट ट्रांजेनिक काउंडीन नाइनटी सेवन ठीक है दैट इज रोजी ठीक है मेरा जन्म साल है गाइस मेरा जन्म साल है 1997. तो जब मेरा जन्म हुआ था तो रोजी अवेलेबल थी रोजी क्या देती थी प्रोटीन इंडे मिल्क देती थी मेरे को इसलिए तुम्हारे सर जो है इतने इंटेलिजेंट है इतने होशियार है ठीक है तो ऐसे ध्यान में रखो क्या देती थी वो मेरे को अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन देती थी चलिए नेक्स्ट वैक्सीन सेफ्टी ठीक है वैक्सीन तुमको मालूम है कोरोना काल के लिए हम जो है इस्तेमाल कर ले ट्रांसजेनिक माउथ जो है यहां पे टेस्टेड किया गया था फॉर द पोलियो वैक्सीन काफी फेमस एमसीक्यू है ये ठीक है पोलियो वैक्सीन के लिए इस्तेमाल किया गया था बा बाकी सारे भी किया गया था लेकिन इसमें पोलियो का एग्जाम्पल दिया है एनसीआरटी में ठीक है एंड uh, यहां पे जो है इफ द सक्सेसफुल रिलायबल दे कुड रिप्लेस द यूज ऑफ मंकीज ठीक है एक बार माउस जो है वो पास हो गए तो फिर हम मंकी पे करते हैं ठीक है चिंपेन् जिसके ऊपर करते हैं गोरिल के ऊपर करते हैं ठीक है चलिए केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग इसको क्या बोलते हैं अपन दिस इज नोन एज टॉक्सिसिटी टॉक्सिसिटी और और टेस्टिंग सेफ्टी टेस्टिंग बोलते हैं इसमें क्या किया जाता है कोई नई ड्रग हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसको जो है वो जो है हम इंड्यूस करते हैं इंटू द ट्रांसजेनिक एनिमल्स ठीक है तो उसमें हम देखते हैं उसमें कोई साइड इफेक्ट हो रहा है क्या उसमें ट्रांसजेनिक टू नॉ नॉन ट्रांसजेनिक ट्रांसमिट हो रहा है क्या वो डिसीजीज कंजेनेटल हो रहा है क्या वो प्रोडक्ट जो हम दे रहे हैं उसको ठीक है ये कौन से हार्मफुल सेप्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है क्या तो केमिकल सेफ्टी के लिए जो हम यूज करते हैं वैक्सीन सेफ्टी के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज करते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स अल्फाबेट एंटीटिस्पिंग के फॉर्म करने के लिए यूज करते हैं स्टडी ऑफ डिसीजेस के लिए यूज करते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट के लिए भी जो है हम ट्रांसजेनिक एनिमल जो है वो यूज करते हैं ठीक है द मैनिपुलेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द ह्यूमन रेस कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर ठीक है तो सिंपल सी बात है काफ़ी सारे इथिकल इश्यूज आते हैं कोई जो है वो किसी का काम चुरा लेता है किसी का कोई जो है वो एक देश से आके दूसरे देश में आके उसके जो है वो जड़ी बूटी चुरा लेगा उससे नया प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा तो यहाँ पे जो है वो बहुत सारे मॉरल इश्यूज इथिकल इश्यूज जो है देखने को मिलते हैं तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बिठाई दैट इज़ जी ई ए सी दैट इज जेनेटिकली अप्रूवल जेनेटिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ठीक है जी ए सी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जो क्या करती है जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च जो है वैलिडेबल है कि नहीं ठीक है वो सेफ है कि नहीं पब्लिक सर्विस के लिए ठीक है कोई पायरेसी कर रहा है कि नहीं उसके ऊपर जो है वो ध्यान रखती है ठीक है सो द मॉडिफिकेशन और यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज जो है वो क्या करता है वो जो है वो जीएससी अप्रूव करती है तभी जो है वो जाता है पब्लिक की तरफ ठीक है सो कुछ कुछ कंपनीज जो है वो क्या किया था इंडिया से फ्रॉड किया था ठीक है सबसे पहला और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यहां पे राइस का आता है ठीक है क्योंकि राइस इंडिया आश, आ, एशिया में जो है वो थाउजेंड साल से जो है वो एग्रीकल्चर हिस्ट्री है राइस की ठीक है और यहां पे लगभग टू लैख वराइटीज ऑफ राइस देखे जाती है राइस के कितने एंड मैंगो के कितने वरायटीज ठीक है सो ये टू लैख वरायटीज ऑफ राइस अलोन जो है इंडिया में देखी जाती है ठीक है डायवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया इज वन ऑफ द दे रिचेस्ट इन द वर्ल्ड सबसे ज्यादा इंडिया में पाई जाती है बासमती राइस उसमें जो है सबसे अलग है उसका आरमा काफी अच्छा होता है बिरयानी तो क्या बनती है माशाला बिरयानी तो क्या बनती है बिरयानी बनाने के लिए तो लगता है तो और वो बासमती राइस की जो खुशबू होती है ना मस्त एकदम ठीक है तो यहाँ पे बासमती राइस की जो है वो लगभग ट्वेंटी लग सेवन लग डॉक्यूमेंटेड वराइटी जो है वो इंडिया में पाई जाती है तो यहाँ पे क्या हुआ था जो अमेरिकन कंपनी थी एक आई थी उन्होंने क्या देखा बासमती राइस जो है उन्होंने देखा एंशियन टेक्स्ट में ठीक है उन्होंने बासमती राइस का जो है वो देखा और यहाँ पे देखा इस फोक एंड पोएट्री में उन्होंने सुना और उन्होंने देखा भी कि वो सेंचुरी में सुनाई गई थी तो उन्होंने क्या किया ये जो बासमती राइस की वैरायटी है वो क्या कर लिया अमेरिका में प्रोड्यूस कर लिया यहाँ से ही आइडिया ले लिया और वहाँ से प्रोड्यूस कर लिए उन्होंने उसका नाम किया दिया नाइनटीन में ये भी चीज़ जो हुई है वो कब हुई है नाइनटीन में भैया मतलब क्या है ये यहाँ पर भी हमने देखा ये 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 चीज़ भी कहाँ पर हुई थी नाइनटीन में रोजी कब आई नाइन्टीन में ठीक है मैं भी कब आया नाइनटीन में ठीक है राइस का टेक्समती वाला मामला भी कब हुआ है 1997 में ठीक है so, सो यहां पे जो है उसने क्या कर लिया पेटेंट ले लिया बासमती राइस का यूएस पेटेंट ले लिया और उसने यहां पे क्या दिया अपना ट्रेडमार्क लगा दिया उसको नाम दे दिया न्यू वराइटी है राइस की इसको नाम देंगे टेक्समती ठीक है लेकिन जब उन्होंने क्या किया था इंडियन बासमती को उन्होंने कोईटीज के साथ जो है क्रॉस किया था और उन्होंने क्या दिया उसका नाम टेक्समती नाम दिया बोले नई 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 जो है बोला अपन के साथ पंगा मतलब इंडिया वाले यहाँ पे पूरे देश को चुना लगाते हैं और यूएस वाली ये जो कंपनी है ठीक है आ, ये क्या बोलती थी आपने को ये बोली कि आ, नहीं ये आपने को चुना लगा रहे थे ये आपने को टोपी पहना रहे थे इंडिया वाले कहाँ के सुनने वाले कर दिया भैया केस ठीक है केस कर दिया राइट्स फिर से इंडिया में ले लिए सिंपल सी बात है उसका पेटेंट को रोक दिया गया सिमिलर थिंग टर्मरिक के बारे में हुई थी नीम के बारे में हुई थी ठीक है टर्मरिक और नीम के बारे में तो डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर नाम के साइंटिस्ट थे ठीक है ये अमेरिकन वालों ने क्या किया था इन्होंने जो है सिंपल सी बात है इन्होंने क्या किया जब ये हमारे इंडिया में आए तो उन्होंने देखा कि इंडिया के हर घर में जो है वो हल्दी का प्रोडक्ट जो है यूज़ हो रहा है एंड उन्होंने एनशियन अपने जो ग्रंथ होते हैं उनमें देखा कि जैसे कि शिशुष्ता हो ठीक है शिशुष्रिता एंड उनमें देखा उन्होंने ग्रंथों में देखा मेडिसिनल जो आ, यहाँ पे अपना आयुर्वेदिक जो है उन्होंने देखा कि हल्दी जो है काफ़ी गुनकारी माइ देती तो इन्होंने क्या कर लिया हल्दी को ले लिया इंडिया से और उधर यू में चले गए और इन्होंने क्या नाम दिया ये जो है हमारा पेटेंट है हल्दी का ये जो है इसका मेडिसिनल यूज़ कर सकते हैं ठीक है ये हमारा पेटेंट है लेकिन डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर जो है एक साइंटिस्ट थे इन्होंने जो है वो केस लड़ा अमेरिका गए अमेरिका के ही कोर्ट में अमेरिका के खिलाफ ही केस लड़ा और टर्मरिक का राइट जो है वो इंडिया के लिए लाए गए ओके सो ये राइस और नीम की लेगेसी भी जो है वो इंडिया में लाई गई सो तो इसको अपन क्या बोलते हैं ये जो टर्म हो रही है इसको अपन क्या बोलते हैं बायो बायो पायरेसी ठीक है यूज ऑफ द रिसोर्सेज बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथोराइजेशन और द कंट्रीज और द पीपल ठीक है इसको अपन बायो पायरेसी बोलते हैं सो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज नेशंस आर रिच फाइनली बट पुअर इन द बायडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज ठीक है मतलब अमेरिका जैसी कंट्री पैसा बहुत है लेकिन ट्रेडिशनल नॉलेज ज्यादा नहीं है बायोडावर्सिटी ज्यादा नहीं है तो ये क्या करते हैं हमारे जैसे इंडिया वाली कंट्री या बांग्लादेश अफगानिस्तान अफगानिस्तान का मैटर देख रहे हो तुम ठीक है पाकिस्तान हो तो इनके कंट्री में जाते हैं इनको पैसा देते हैं और फिर इनसे जो है उनके बायोडावर्सिटी का इस्तेमाल कर लेते हैं अपने अपने नाम से पेटेंट ले लेते हैं ठीक है और फिर इन्हीं का जो उन्हीं इनके नेचुरल इन्वामेंट में जो चीज़ पाई जाती है वो उन्हीं को बेचते हैं उनसे ही पैसा लेकर मतलब कोई चीज़ पाकिस्तान में पाई जा रही है तो उसको पहले पैसा देंगे उसको कर्जा देंगे ठीक है वहां पर ये बोलेंगे हमारी ये कंपनी खोलने दो हमारी ये रिसर्च फैसिलिटी खोलने दो फिर वहां पर वो रिसर्च करके उसी का वहां पर बायोजॉवर्सिटी के स्टडी करेंगे उसी से एक आधा जो है वो आइटम ले लेंगे और उसके नाम का पैटर्न दर्ज कर देंगे ठीक है और फिर पाकिस्तान वालों को ये पता चल जाएगा तो पाकिस्तान वाले बोलेंगे कि ये तो हमारे यहाँ आता है लेकिन ये बोलेंगे नहीं हमने प्रिपेयर किया है आपको इस्तेमाल करना है तो पैसे दो और इस्तेमाल करो तो ये जो ट्रैक्टिस जो है देखी जाती है ठीक है Uh, तो इसको अपन बायो पैरिस बोलते हैं इसके खिलाफ जो है केस कर सकते हैं हम सिंपल सी बात है ठीक है सो देर है एंड इसीलिए जो जो है जो है यहाँ पे है वो इंडियन पार्लियामेंट ने क्या किया बिल पास किया ठीक है सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट बिल ठीक है ये क्या करता है इसे मैटर को कंसिडर करता है और यहां पे लीगल जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है ठीक है एंड यहां पे जो है हमारा चैप्टर खत्म होता है यहां पे हमारा चैप्टर एक घंटे के अंदर खत्म हो गया रिकॉर्ड ब्रेक सबसे शॉर्ट लेक्चर होगा ये सबसे शॉर्ट लेक्चर होगा चलो एमसीक्यू सॉल्व करें एमसीक्यू सॉल्व करें चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है भैया चलो कर दो लाइक शेयर सब्सक्राइब आगे बढ़ते हैं चलो बता दो थर्टी का आंसर क्या होगा रात का दस बजे वाला भी शॉर्ट रहने वाला है रात का दस बजे वाला भी चालीस से पैंतालीस मिनट में खत्म करने वाला तो रात के दस बजे के लेक्चर में भी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा ओके चलिए चलो बताओ थर्टी का क्या आ जाएगा ओके ये आ जाएगा ठीक है बीटी कॉटन ठीक यहां पे क्या देखो का थिरनेसिस और एक ही ऑप्शन में उससे आंसर आ जाएगा नी ट्वेंटी वाला ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं दिया गया है क्या आ जाएगा बोलो तो ठीक है फंक्शनल इंसुलिन यहां पे जो है वो ए एंड बी चेंज हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पे डायसल्फाइड बनाने देते हैं तो सी आ जाएगा चलो नेक्स्ट विच काइंड ऑफ थेरेपी वाज गिवन टू 1990 टू द फोर ईयर चाइल्ड ठीक है कौन सी यहाँ पे जीन थेरेपी दी गई थी उसको ठीक है कौन सी थेरेपी जीन थेरेपी नेक्स्ट टू पॉलीपेप्टाइड ऑफ द पोलीपेप्टूमन इंसुलेंट लिंक टूदर बाय डायसल्फाइड ब्रिजेस नेक्स्ट द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कौन सा हार्मोन यूज किया था सिंपल सी बात है लगा देने का ठीक है दैट इज इंसुलिन नेक्स्ट बीच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज यूज टू रिप्लेस द डिफेक्टिव जीन इन द जीन थेरेपी कौन सा वेक्टर यूज किया जाता है चलो बोलो कर्नाटक आप पिन कर दो इसको एडीनोवायरस जो है इस्तेमाल किया जाता है ठीक uh, है रिप्लेस द डिफेक्टिव जीन जीन थेरेपी एडीनोवायरस यहां इस्तेमाल किया जाता है लिंफोसाइट्स के लिए ठीक है एक तो रेट्रोवास यूज किया जाएगा नहीं तो एडीनो वायरस यूज किया गया तो एडीनोवायरस का एक टाइप जो होता है वो रेट्रोवायरस होता है तो ध्यान में रखो ठीक है चलो द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी किसके लिए एडोनोसिन डीएमएनएस के लिए यूज किया गया था विच आर ऑन द फोन इज नाउ बिंग कमर्शियली प्रोड्यूसड बाय द बायोटेक्नोलोलॉजिकल प्रोसीजर्स ठीक है अभी क्या यूज कर सकते हैं हम सिंपल सी बात है इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हम नेक्स्ट द जेनेटिक डिफेट एडनेस डॉन एज मे बी क्योर परमानेंटली बाय परमानेंटली क्योर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा सिंपल से बात है बोन मेरो सेल को जो है वो हमको ईडी सेल जो है करना पड़ेगा इंटू द अर्ली इम्रिक सेल्स ठीक है बोनमेरो सेल जो है हम डाल देंगे तो बोनमेरो का सेल अर्ली यूज करेंगे दैट इसम सील जो है यूज करेंगे सो यह so, ध्यान में रखो इंसुलिन इज बिंग कमर्शियली प्रोड्यूस बाय द ट्रांसजेनिक स्पेसिस ऑफ इस कोला है नेक्स्ट इलाज आर यूज टू डिटेटिव वायरस वेयर द की रिएजेंट इज ठीक है उसमें की रिएजेंट कौन सा होता है तो अल्कलाइन फॉस्फेट होता है ठीक है अल्कलाइन फॉस्फेट जो होता है चलो यस yes.

फ्रॉम अदर माइक्रो मोलिकल्स माइक्रो नहीं यहाँ पे क्या जाएगा माइक्रो आ जाएगा गलत है बाकी ये दोनों सही है चलिए न्यू वराइटी ऑफ राइस पेटेंटेड बाय द फॉरिनट इन इंडिया फॉर लॉन्ग टाइम दिस इज रिलेटेड टू ये किससे बासमती से रिलेटेड है इन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉसिबल फॉर प्रोसेसिंग कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जेनेटिक इंजीनियरिंग ठीक है अप्रूवल uh, in कमेटी in ठीक, ठीक है इसको अप्रेजल भी माना जाता है ठीक है तो इसलिए यहां पे जो है आंसर डी आ जाएगा अप्रेजल कमेटी अप्रूवल कमेटी भी आप बोल सकते हो ठीक है ध्यान में रखो बुक में अप्रूवल दिया है तो दोनों अप्रेजल अप्रूवल अप्रूवल आ जाएगा तो अप्रूवल करो ठीक है जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन सक्सेसफुली यूज फॉर प्रोड्यूसिंग बताओ क्या यूज करते हैं ट्रांजेरिक माइस फॉर टेस्टिंग सेफ्टी फॉर पोलियो वायरस देखो आ गया प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन प्रोटीन इन बैक्टीरिया बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ चलो किसके रिलेटेड पॉसिबल है बिकॉज जेनेटिक कोड कैसा है यूनिवर्सल है इसलिए जो है हम ह्यूमन प्रोटीन जो है बना लेते हैं बैक्टीरियल जीन प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन प्रोटीन बाय बैक्टीरिया पॉसिबल वही जेनेटिक कोड जो है यूनिवर्सल uh, इसके चलते यूज ऑफ बायो रिसर्स बाय मंडी कंपनीज एंड ऑर्गेनाइज विदाउट ऑथोराइजेशन तो क्या बोलेंगे उसको बायो नेक्स्ट विच बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया रेगुलेट द जी रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मीडी फॉर फॉर द पब्लिक रिसोर्सेज ठीक है क्या जगह है यहाँ पे जेनिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ठीक है यहाँ पे सीधा अप्रूवल दिया गया है क्लियर क्लियर ठीक है चलो खत्म बाय बाय टाटा सो अलेक्सा अलेक्सा जोक सुना चिंटू एक बर्फ का टुकड़ा बड़े ध्यान से देख रहा था बंटी ने पूछा लाइक नहीं कर रहे यार तुम इतने गौर से क्या देख रहे हो चिंटू बोला लाइक करो यार शेयर करो तैतीस चौबीस पचास लाइक तो चाहिए कहाँ से कर रहा है क्या जोक सुना इसने अलेक्सा जोक सुनाओ चिंटू ने सोनू से पूछा तुम्हारा बर्थडे कब आता है एक अप्रैल सोनू बोला और तुम्हारा मेरा तो हर साल ही आता है चिंटू ने जवाब दिया ए अलेक्सा अच्छा जोक सुना भाई क्या जोक सुना रही है सॉरी I don't know that one. अच्छा जोक नहीं मालूम देखो क्या मालूम है देखो गधा गधी गएगी अलेक्सा अच्छा वाला जोक सुनाओ एक फोटोग्राफर ने अपनी नौकरी क्यों छोड़ दी हम्म क्योंकि वो फोकस नहीं कर पा रहा था वाह जान दो इसका मुन्ना है आज फोटोग्राफर ने नौकरी क्यों छोड़ दी क्योंकि वो फोकस नहीं कर पा रहा था चलिए बाय गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो हम्म